मैंने ना एक एक फिल्म देखी, मुझे याद नहीं है क्योंकि अब संसार की चीजों में से निकल गए, जब संसार में तो बहुत ये चीजें करते थे। सन्नी देओल की फिल्म थी, उसमें राज बब्बर हीरो है ना, तो उसमें वो विलन था। क्या था बोलो? विलन है वो, एक पुलिस का एक बड़ा ऑफिसर था। सनी देओल भी मतलब है तो वो भी इंस्पेक्टर था, पर उसकी जॉब छोटी थी तो उसकी बड़ी थी। मे बी शायद रिश्ते में, फिल्म में रिश्ते के हिसाब से उसका सोहरा था, ऐसी स्टोरी है। तो उसमें ना उसकी बेटी उसके साथ उसकी शादी हुई, तो पर जब कह लो जब बाप इस्तेमाल करता है ना, फिल्मों से भी कई बार कुछ चीजें सीखने में मिल जाती हैं, जो तो बड़ी लंबे समय की बात जब मैंने ये देखी। तो उसमें वो विलन मतलब है इंस्पेक्टर, पर वो दुनिया के साथ जैसे आज भी करप्शन है, ऑफिसर नेता लोग किन लोगों से, गलत लोगों से मिलकर क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे गलत चीजें, तो वो भी ऐसा था। पर सनी देओल एक अच्छे मन वाला उस फिल्म में दिखाया है ना, अपनी उस ड्यूटी के जो वो ड्यूटी करता उसके प्रति वफादार, समझे। तो उसमें ना वो जो भी चीजें करता है तो सनी देओल उसके सारे कामों को फेल कर रहा है, सब काम। अब वो बड़ा तंग है उससे, क्या बोलो, यहां तक अपने जवाई को ही वो मरवाना चाहता था। तो एक बार उसके उस फिल्म में क्या हुआ कि कोई बंदा उसके पास आता है खुशी से, कहता बड़ी गुड न्यूज है, राज बब्बर को कहता बड़ी गुड न्यूज है, बड़ी खुशखबरी की बात है, पर दो चीजें, एक बुरी है और एक अच्छी है। कहता अच्छी बातों को सुनने से मेरे कान तरस गए। क्या तरस गए? मतलब अच्छी बात को सुनने से मेरे कान तरस गए, वो जो बुरी है उसको तरस, जो अच्छी है वो बता। तुम अच्छी बातों को सुनने के लिए कितने उतावले हो? ये नया प्रोफेटिक वर्ड जो परमेश्वर ने दिया, कितने उतावले हो? कितने उतावले हो इसे पूरा करने के लिए? मैंने कहा कितने उतावले हो? सुनो फिर, ये नया प्रोफेटिक इस मंडली के लिए ये है कि आने वाले जितने भी बुधवार की मीटिंग्स होंगी वो आपको बहुत ब्लेस्ड करेंगी। जय ऊपर से दिया खुदा ने, ऊपर से आने वाली बुधवार की जितनी मीटिंग्स होंगी आपको सुपर डुपर ब्लेस्ड करेंगे।